लास्ट टर्म तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो लास्ट टर्म तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो जनरलाइज्ड इम्पीडेंस कन्वर्टर तक पढ़ा था, और अब ओपैम्प के जो फर्दर यूज हैं और एप्लीकेशन हैं, इसका बाद उस यूनिट में एक और टॉपिक बचता है फिल्टर। फिल्टर को हम लोग लास्ट में देखेंगे, फिलहाल जो जनरल पर्पज एप्लीकेशंस हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जो ओपैम्प के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हम यूज कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है लॉग एम्पलीफायर एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर। तो लॉग एम्पलीफायर में क्या होता है? लॉग एम्पलीफायर मतलब एक ऐसा डिवाइस बनाइए जो कि आउटपुट पे आपको क्या दे दे, आउटपुट पे वो आपको दे दे कहे कि सर मुझे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हुए, कांस्टेंट गेन होगा, लॉग समथिंग बेस, लॉग बेस ई कर लीजिए, दैट विल बी नेचुरल बेस ऑफ वी इनपुट कर दीजिए। अगर आप ऐसी कोई डिवाइस बना लेते हैं तो ये लॉग एम्पलीफायर कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा ध्यान जाता है डायोड की तरफ। डायोड, डायोड में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पी टर्मिनल होता है और दूसरा एन टर्मिनल होता है, ठीक है। ये एरो जो इस तरीके का सिंबल डायोड का क्यों बनता है, इसके पीछे भी रीजन है। ये जो एरो है वो इंडिकेट करता है कि करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पी टू एन, एंड दिस लाइन शोज दैट दैट देयर विल बी अ डिप्लेशन रीजन एट द जंक्शन। मीन्स वहां पर एक डिप्लेशन रीजन जंक्शन पर रहेगा, ठीक। अगर मैं इस डायोड पे जो करंट है इसे प्लस माइनस वी डी मान रहा हूँ, दैट इज डायोड करंट, तो डायोड के केस में जो करंट की वैल्यू इसके अक्रॉस फ्लो कर रही होगी उसकी वैल्यू होगी आई डी। आई डी कहाँ से लेकर कहाँ तक फ्लो कर रही होगी? आई डी मस्ट बी फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एन। आई डी विल बी इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी डी, वी डी दैट इज डायोड वोल्टेज, डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस वन। यहाँ पर वी डी क्या है? वी डी डायोड वोल्टेज है। आई नॉट क्या है? वॉट इज आई नॉट? आई नॉट इज रिवर्स सेचुरेशन करंट। रिवर्स सेचुरेशन करंट मीन्स रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट मीन्स वो करंट जो कि डायोड के थ्रू फ्लो करेगी जब डायोड किस में रहेगा? रिवर्स बायस में रहेगा, ओके। ईटा की वैल्यू क्या होती है? ईटा एक कांस्टेंट है और इस ईटा की वैल्यू होती है वन या टू या फिर उसके बीच में कोई। वन होती है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए, और टू किसके लिए होती है? सिलिकॉन के लिए। वीटी की वैल्यू कितनी होती है? वीटी की वैल्यू होती है आपकी 26 25 मिलीवोल्ट एट रूम टेम्परेचर, एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर। वीटी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 25 मिलीवोल्ट, ओके। दिस विल बी डायोड करंट। अब ये डायोड किस बायस में है इस पर डिपेंड करेगा कि डायोड करंट, डायोड किस बायस में है इस पर डिपेंड करेगा कि डायोड करंट की वैल्यू क्या है। मीन्स डायोड कैन बी इन टू बायस। इफ पॉजिटिव वोल्टेज, दिस वी डी इज पॉजिटिव, मीन्स वोल्टेज एट पी टर्मिनल इज मोर देन वोल्टेज एट एन टर्मिनल, देन वी विल से दैट डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। इन फॉरवर्ड बायस वी डी विल बी पॉजिटिव। वी डी विल बी पॉजिटिव, देन डेफिनेटली दिस टर्म ई टू द पावर ऑफ वी डी अपॉन ईटा वी टी विल बी वेरी लार्ज। हाउ? सपोज वी डी इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। इफ वी डी इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट देन ईटा की वैल्यू क्या हो गई? 1, और दिस विल बी 25 मिली वोल्ट, दैट विल बी 0.025, सो दिस विल बी 40। ई टू द पावर ऑफ 40 इज रियली वेरी लार्ज नंबर। E to the power of 40 is really very large number. Okay. Even if we are having voltage even 0.1, then also we will have this voltage e to the power of 4. Even e to the power of 4 is also very large number. Okay. It will be approximately 81 around. Means at even 0.1 voltage, this particular value will be I naught e to the power of Vd upon eta Vt will be much much larger than I naught. Okay, so we can say that in forward bias, if we are dealing in forward bias, then what we can do? We can neglect this I naught.
means in forward bias id will become, means current across diode will become id is equals to I naught. I naught is reverse saturation current that will be in nano amperes or will be very small in micro amperes e to the power of vd upon eta vt. Okay, similarly if we are dealing in reverse bias, then in reverse bias this vd value will be negative. Definitely we will have more voltage on n terminal and less voltage on p terminal, so this vd value will be negative. If vd value is negative, so we will have this negative value, and e to the power of minus 40 is very small number. Similarly e to the power of minus 4 is very small number, means we can say that in reverse bias this particular first term will have very small value comparative to 1. Means in reverse bias the current will be id is equals to minus I naught. But in which case it will happen? It will happen in when diode is in reverse bias. Okay, so in forward bias diode current will be id is equals to I naught, id is equals to I naught e to the power of vd upon eta vt. Okay, so this particular equation of diode current is having e to the power of vd upon eta vt. E to the power of vd, that is voltage across diode, and if somehow we can convert this voltage across diode, this voltage across diode into input or output, then we can get, by taking the inverse of it, we can get log. Because if you will do the log of both side, e to the natural log of both side, then definitely the term on other side will go into the logarithmic, and logarithmic and natural log will now logarithmic and e to the power of exponential will cancel out each other, and this term will become constant. So this particular equation is very helpful in designing log amplifier. I hope you have got it, that why we have used diode while designing a log or anti-log amplifiers. Okay, so where we have to use it? Definitely here is a diode we have used in feedback path. Why we are using in feedback path? There is also a thing that e to the power of diode voltage across diode, means this will be like this. We can say this is V plus minus Vd. Okay, that is will be voltage across diode will come in terms of output voltage. And if it will come in terms of output voltage, then after taking the log, we will get this term, because this will now V output will become in terms of e to the power of something. And after taking log on both sides, we will get input in terms of log. Okay, that's why we have used diode here while designing in feedback logarithmic amplifier here in feedback path. Okay, now while analysis, as we have started anything, that is a step one. Step one is, what is the step one? Step one is we have assumed that diode is ideal, and being diode is ideal, here no current will go in from here and no current will go in from here. The reason is this, that input resistance, we have assumed that input resistance is very high. Okay, this is no current will enter from inverting terminal as well as non-inverting terminal. Next is what we have to do. We have to assume the current. Suppose here the current is I1 and here the current is IF. Okay, here the current is I1, here the current is IF. Okay, now Ohm's law will not follow here. Why Ohm's law will not follow here? Because definitely this is a non-linear device, and non-linear devices will have its own equations. Means Ohm's law will definitely not follow here. So whatever, how we will find out the current, we have already discussed it. Before going to the step two, we will see that what will be the voltages here, at voltage at plus and voltages at minus. So definitely
due to the, we have assumed that diode is an op amp is an ideal op amp, so definitely V minus and V plus will be equal. Since V minus and V plus are equal, then what will happen? Why this will happen? This will happen because we have assumed that ideal op amp will have infinite gain. Okay, in step two, what we usually find out, in step two, we find out what are the voltages values. What are the voltages values at inverting input terminal and non-inverting input terminal? Since this is connected to the ground, so this will be 0 volt. So we can say that V plus will be 0 volt, and similarly, we can say that V minus will be so. Means what kind of the condition is existing here? Here, virtual ground is existing. Okay, virtual ground is existing. Now step three we have to apply the KCL. So in step three we have to apply the KCL here. Okay, so suppose what will be the KCL at after applying the KCL at inverting input terminal, what will be the current? Current will be I1 is equal to IF. Okay. So what will be the voltage across diode? Voltage across diode will be VD. Can we write down this VD in terms of Vout? Yes, sir. How? If we are interested in VD, VD is the here voltage is 0 volt. Here voltage is how much? V output. So at positive voltage is 0. At negative voltage is V out. So we may write down that V output is equals to 0 minus V out. So we may say that V D is equals to minus V out. Okay. How? Because you are saying that voltage is here 0. So you may mark this voltage is here 0. Here voltage is V out. Okay. So we may mark that here voltage is V out. So how to find voltage across diode? Voltage at P terminal minus voltage at N terminal. What is voltage at P terminal? That is 0 volt. What is voltage at N terminal? That is V out. So 0 minus V out. So VD is equal to, now VD is equals to 0 minus V out. That is equals to minus V out. Okay, so what will be the I1? Applying simple nodal analysis, we can say that V input, that is VI, V input minus 0 divided by R1, that will be I1. And what will be IF? IF will be from the diode current equation. You will write it down from diode current equation. You have to note it down somewhere. I have already discussed here. While discussing it, you have to note down there somewhere that in diode currents are given by this, all these things. Okay, so that's why we will replace this IF or ID, whatever it is. Okay, IF is equals to I naught e to the power of VD divided by eta VT. Okay, since we have assumed that diode will be in forward bias, so definitely this value will be 0. How we have assumed diode will be in forward bias? Because if we will apply some positive voltage over here, even a small positive voltage will be applied only at the inverting input terminal. If it will be applied only at the inverting input terminal, then definitely the output will be negative. So output is negative, and here voltage is 0 volt. Here voltage is negative. So you may be sure, you must be sure the diode is in forward bias. If anyone have any doubt, then please again see this, that if you will apply even a small voltage at the inverting input terminal, then definitely output will be negative. And if output is negative, then definitely at N terminal voltage will be negative, and at P terminal due to virtual ground voltage will be 0. So definitely 0 is more than negative. So we will have voltage at P terminal more than N terminal. Okay. So now
नाउ नाउ विल राइट इट डाउन, वी इनपुट डिवाइडेड बाय आर वन इज इक्वल टू आई नॉट e to the power of minus v output divided by eta vt. Okay, now v input divided by I naught, that is reverse saturation current, into R1 is equal to e to the power of minus of V output divided by eta VT. Okay. So now what we will do, we will take natural log of both sides. If you will take natural log of both side, then what will happen? It will be represented by ln V input divided by I naught into R1 is equal to, taking the natural log, exponential, both will cancel out each other, minus of V output divided by eta VT. Okay, so now after that, rearranging it, we will get V output is equal to minus of eta PT into natural log of V input divided by I naught into R. So what we were looking for, हम क्या सोच रहे थे कि इनपुट का लॉगरिथमिक हो जाए, और इनपुट का लॉगरिथमिक हो गया, ठीक है. V output is equals to minus of eta VT ln of V input I naught R1. Okay, so by using diode in forward bias, we have obtained logarithmic of input. For making the formula more effective, what we can do, we can calculate expected value of I naught and use very high resistance in terms of mega ohm and make this value 1 if I naught into R1 will become 1. If I naught into R1 will become 1, so what we will get, V output is equals to minus of eta VT ln of V input. So this is how we can derive this logarithmic amplifier. इसके अलावा आपके लिए एक असाइनमेंट ये है कि आप लोग ये पढ़े होंगे कि BJT को भी एज ए डायोड यूज किया जाए. How we can use BJT as a diode? अगर आप यहाँ पर कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल लगाते हो और बेस को अगर ग्राउंड कर देते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक डायोड का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा. मीन्स लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कैन नॉट बी ओनली डिजाइन विथ हेल्प ऑफ डायोड, बट इट कैन ऑल्सो बी डिजाइन विथ हेल्प ऑफ BJTs. While designing it in terms of BJT, we have to make sure that BJT is working same as it should work as diode. Means BJT is working should be same as diode.
अब इसी चीज को अगर हम लोग एंटी लॉग एम्पलीफायर की तरफ देखें, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी लॉग, मींस कोई भी वैल्यू है अगर उसका एंटी लॉग करना है तो नेचुरल लॉग का एंटी लॉग क्या होगा? अगर हम नॉर्मल लॉग का एंटी लॉग करते हैं तो हम 10 टू द पावर वो वैल्यू कर देते हैं, ठीक। नेचुरल लॉग का एंटी लॉग क्या होगा कि मतलब हम कोई भी वैल्यू का e टू द पावर कर दें। मतलब आप ये एक्सपेक्ट करोगे सर, चूंकि हमने नेचुरल लॉग बनाया है, सर ऐसा एक डिजाइन करिए कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो और उसके बाद e टू द पावर ऑफ समथिंग ऑफ v इनपुट आ जाए, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें, तो इसको आप जब थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, इसके आउटपुट को थोड़ा सा और आप एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। क्यों निगेटिव आ रहा है? क्योंकि इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है। ईटा वी टी आप क्या कह सकते हो? ईटा वी टी विल बी गेन, ईटा वी टी विल बी गेन, ठीक है, ये इसका गेन को रिप्रेजेंट करेगा। और ln ऑफ इनपुट, ln ऑफ इनपुट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई लॉगरिथमिक ऑफ इनपुट, मींस लॉगरिथमिक ऑफ इनपुट विल बी मल्टीप्लाइड बाय गेन एंड नेगेटिव साइन इज ड्यू टू इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक। तो यहां पर समथिंग लाइक दैट, अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन आएगा तो हम लोग इसे यूज करेंगे, तो ठीक है, ओके। इसीलिए यहां पर क्या किया है कि इनपुट को ही e टू द पावर में यूज करना है, तो हम डायोड करंट का इक्वेशन ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। डायोड करंट के इक्वेशन में, आईडी के इक्वेशन में आप जानते हो कि e टू द पावर ऑफ डायोड वोल्टेज होता है। यहां पर जो डायोड वोल्टेज होगा वो क्या होगा? प्लस माइनस वी टी, ई टी डायोड वोल्टेज होगा, ठीक। और ये प्लस माइनस वी डी होगा कितना देख लेते हैं भाई। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? जीरो वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज वर्चुअल ग्राउंड के नाते क्या हो जाएगा? जीरो वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज क्या है? वी इनपुट। सो डेफिनेटली वी डी विल बिकम वी डी इज इक्वल टू वी इनपुट, दैट इज इक्वल्स टू वी इनपुट माइनस जीरो। सो दिस विल बिकम वी इनपुट माइनस जीरो। सो हियर द वोल्टेज विल बिकम वी इनपुट इन पॉजिटिव, ओके। सो इफ यू विल अप्लाई हियर पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज अगर आप इन्वर्टिंग वाले पर निकाल रहे हो तो डेफिनेटली आउटपुट पे क्या आएगा? निगेटिव में ही आएगा। मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन में माइनस साइन भी रहेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपने आई डी कर दिया एंड दिस करेंट विल बी आई एफ, ओके। दिस इज ड्यू टू द फीडबैक पाथ, दिस करेंट विल बी आई एफ, ओके। तो फिर से वही स्टेप वन, स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन विल बी ओपैम्प इज आइडियल। ओपैम्प आइडियल होने का मतलब क्या है? ओपैम्प आइडियल होने का मतलब यह है कि आई माइनस इज इक्वल टू आई प्लस इज इक्वल टू जीरो एम्पियर। कोई भी करंट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से इन नहीं करेगी, ठीक। सेकेंड क्या है कि वी माइनस विल बी इक्वल टू वी प्लस, ओके। मतलब जो भी वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर रहेगा वही वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर भी जाएगा, ठीक। स्टेप टू में हम क्या करते हैं? स्टेप टू में हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेजेस को कैलकुलेट करते हैं। तो आप कहोगे सर वी माइनस इज इक्वल टू वी प्लस इज इक्वल टू जीरो वोल्ट, ओके। एंड लास्ट में स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में आप क्या करेंगे? स्टेप थ्री में आप डायोड करंट के इक्वेशन को चेक करेंगे, ओके। डायोड करंट का इक्वेशन, अब केसीएल लगाएंगे तो केसीएल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? यहाँ पर आईडी है और यहाँ पर क्या है? आई एफ। सो आई डी विल बी इक्वल टू आई एफ, आई डी विल बी इक्वल टू आई एफ। आई डी की वैल्यू बताइए कितनी होगी? आई डी की वैल्यू होगी आई नॉट, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, इनटू ई टू द पावर ऑफ वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी इज इक्वल टू आई एफ की वैल्यू बताइए कितनी होगी? आई एफ की वैल्यू होगी जीरो माइनस वी आउटपुट, जीरो माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई आर एफ। सो दिस विल बी जीरो माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई आर एफ, ओके। सो अगर आप इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे सो दिस विल बिकम आई नॉट e टू द पावर ऑफ वी डी की वैल्यू क्या है? वी इनपुट, वी इनपुट डिवाइडेड बाई ईटा वी टी इज इक्वल टू माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई आर एफ। सो यहाँ पर अब इसके बाद आप देखोगे तो वी आउटपुट की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी?
वी आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट इंटू आर एफ ई टू द पावर ऑफ वी इन डिवाइडेड बाय ईटा वी टी। ओके, अब ईटा की वैल्यू वी टी की तो वैल्यू को आप नहीं सेट कर सकते वन, बिकॉज ईटा विल हैव फिक्स एंड वी टी विल हैव फिक्स। सो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल के नाते बहुत स्मॉल वोल्टेज लगाने पर भी आउटपुट आपको बहुत ही हाई मिलेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज लगाते हैं वो बहुत स्मॉल वोल्टेज लगाते हैं, इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट लगाएंगे, ठीक, इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्टेज लगाएंगे तभी आपको आउटपुट कुछ मिलेगा। और आई नॉट और बिकॉज आप सोचिए, अगर आप मिली वोल्ट में भी वोल्टेज लगा रहे हो और आई नॉट आर एफ की वैल्यू अगर 2 या 3 है, तो आपको आउटपुट ई टू द पावर ऑफ अगर आपने यहाँ पर 50 मिली वोल्ट लगा दिया या 100 मिली वोल्ट लगा दिया तो भी बहुत अच्छा खासा आउटपुट मिलेगा, बिकॉज इट विल हैव 9 वोल्ट और 10 वोल्ट। ये भी समझना होगा कि अगर आपका ओपैम्प एक सेचुरेशन लेवल तक ही जाता है, मींस वो +15 या +12 से लेकर के -12 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकता है, इसका मतलब हमें इनपुट वोल्टेज को इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम बहुत प्रिसाइसली अप्लाई करना होगा। इस केस में जो गेन होगा, दिस विल बी आई नॉट इंटू आर एफ, दैट विल बी गेन, ओके, एंड दिस इज इनपुट वोल्टेज का एक्सपोनेंशियल आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब आप ये कहोगे कि नाउ दिस पर्टिकुलर सर्किट इज वर्किंग एज एंटी लॉग एम्पलीफायर। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर अबाउट दीज टू सर्किट्स। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। If anyone have any doubt, then you may ask.